अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। गुड्डी जो कि अपनी ज़ात पर दुनिया के किए गए मुजालिम का बदला लेने के लिए घर से निकलती है, लेकिन आदम की मोहब्बत उत्वजो पाकर बिल्कुल ही बदल जाती है। उसके अंदर का भी अच्छा इंसान जाग उठता है और वो आदम की फितरत से मुतासर होकर लोगों की मदद करने का इरादा कर लेती है। इसी चक्कर में जब वो ज़ुलैखा के शोहर को ठीक कर लेती है, क्योंकि उसके जहन में ये होता है कि ज़ुलैखा अपने शोहर पर जुल्म कर रही है, उसने उसे जानबूझकर बीमार और माजूर बना दिया है। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा तब ख़त्म हो जाती है जब वो ये देखती है कि वही शख्स जो लाचार बिस्तर पर पड़ा होता है, लोगों से भीख मांग मांग कर उनकी तवज्जो हासिल करता है, ठीक होते ही कैसे गिरगिट का रंग बदल लेता है और दोबारा से शैतान बन जाता है। तब वो सोचती है शायद ज़ुलैखा का ये फ़ैसला सही था कि इस शख्स को बीमार माजूर ही रहना चाहिए, बल्कि इसको मर जाना चाहिए। शायद वो यही चाहती थी इसके शर से दूसरे लोग महफूज रहें। अब तो उसे भी अफसोस होता है, वो तो ये समझ रही थी कि सबसे बुरी ज़ुलैखा है, इसलिए वो ज़ुलैखा की असलियत खोलकर ना सिर्फ उसके शोहर के सामने रख देती है बल्कि ज़ुलैखा के शोहर को भी ठीक होने में मदद देती है। लेकिन यही उसकी गलती, उसी का गुनाह बन जाती है, क्योंकि वो गुड्डी पर ही बुरी नज़र रखने लग जाता है। अब तो गुड्डी भी यही चाहती है वो फिर से बीमार और माजूर हो जाए।